नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की खबरों का। सागर की सुर्खी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव प्रचार किया। सिंधिया ने जयसीनगर में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि सिंधिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है। भाजपा के शासनकाल में अब बिजली भी है, सड़कें भी है, सिंचाई परियोजना भी है। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के शासन में जनता सड़क बिजली समेत कई समस्याओं से परेशान थी, लेकिन अब तमाम समस्याओं का निराकरण हो गया है। मध्य प्रदेश में 5000 मेगावाट की केवल बिजली उत्पादन की क्षमता थी, 18 वर्ष में आज 29000 मेगावाट की बिजली की उत्पादन। जिस मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन केवल 7.5 लाख हेक्टर भूमि सिंचित थी, आज 18 वर्षों में वही मध्य प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर भूमि आज सिंचित हो गई। कमलनाथ जी, जब आपने कहा था कि हम 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ कर देंगे, आपने कहा था बिजली का बिल हाफ कर देंगे, आपने कहा था महिलाओं के समूह का कर्जा माफ कर देंगे, आपने कहा था युवाओं बेरोजगारों को 10-10 हजार रुपया भत्ता देंगे। अरे क्या दिया आपने और आपकी कांग्रेस सरकार ने?